नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और मैं भी हूं मैदान में। कार्यक्रम अब तक मैंने आपको दिखाया, इसके बाद में अब हमारे साथ में एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुछ चुनावी चर्चा करेंगे और चुनाव पर बात करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं और समाज के लिए भी बहुत सारे संघर्ष किए हैं। हम जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी का इस स्थिति में लास्ट चरण है, मुरादाबाद होने वाला है, इसके बाद में क्या स्थिति रहेगी और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर विजयी रहेगी, यही जानने के लिए हम मौजूद हैं गुलाबो देवी जी के साथ में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव चल रहा है और किस तरह का चुनाव रहा अब तक और आगे क्या स्थिति है भाजपा की। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जनता बहुत जागरूक है। इसी जनता ने केंद्र में हमारी सरकार बनवाई, माननीय मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनाया। इसी जनता ने प्रदेश में हमारी सरकार बनाई, माननीय योगी जी के लिए मुख्यमंत्री बनाया। जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही जनता ने बनाई, तो स्थानीय स्तर पर भी हमारी सरकार बनी और अधिकांश त्याग हम लोग जीत रहे हैं। जिस तरीके की बात करें मुरादाबाद में, मुरादाबाद का चुनाव है, मुरादाबाद की सीट के लिए कर रहे हैं। मैं केवल मुरादाबाद की सीट के लिए नहीं, सभी सीटें जितनी भी हमारे निगम में सभी सब निकलनी है। कहीं ना कहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो 6 महीने बीतने के बाद में जनता के दिलों में एक वो जगह नहीं बनी है। सही बात है नहीं, ये तो आप क्या है, जनता के दिलों में जगह नहीं बनी है और जनता सब जान गई है। हर तरफ प्रदेश में ही नहीं, मैं समझती हूँ हिंदुस्तान में एक रामराज की लहर है और सभी लोग अपने लिए सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें बीजेपी के कार्यों की, तो उनका जो जनता के बीच में अगर बात करते हैं, तो जनता भी ये कहती है कि अभी तक क्या मिला। विगत 200 साल से जनता के हाथ में कटोरा जैसा आ गया था। विकास के नाम पर कोई चीज नहीं थी सिवाय लूट मार, अपहरण, चोरी, डकैती, इसके अलावा जनता के लिए क्या मिला। अब क्या नहीं मिला है, एक किसानों को आप देखिए, 86 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया है उसके लिए माननीय मोदी जी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी माता के लिए, कि जब बच्चा जन्म ले तो वो स्वस्थ हो, एकदम निरोग हो और हष्ट पुष्ट हो। कन्याओं के लिए कितनी व्यवस्था हो रही है, छोटे बच्चों के लिए कितनी व्यवस्था हो रही है और सबका साथ सबका विकास लेकर हम लोग मैदान में उतरे हैं। और हमारा ये संकल्प है कि जनता तक जो भी हमारी सुविधाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचे और महसूस कर रहे हैं लोग इस चीज के लिए। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक व्यापारी की बात करती थी और आज के वक्त में GST नोटबंदी एक अहम फैसले लिए, तो कहीं ना कहीं जनता नाराज है। अगर नाराज होती ना तो ये विधानसभा में हमारी सरकार कैसे बनती, ना नोटबंदी का कोई प्रभाव है ना GST का कोई प्रभाव है। ये तो विरोधी लोगों के पास इसके अलावा कुछ कहने को है नहीं। लेकिन अगर निकाय चुनाव की बात करें तो एक ये फेस वैल्यू, खुद की फेस वैल्यू पर एक चुनाव होता, तो कहीं ना कहीं राजनीति इस पर फर्क पड़ेगा। नहीं, ये लोकल चुनाव है वो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना निजी अस्तित्व है और उस अस्तित्व के आधार पर हम जो है ज्यादातर जीत रहे हैं। अंतिम चरण है और निकाय चुनाव का, 1 तारीख को मतदान काउंटिंग होनी है, उस पर क्या कहेंगी क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता से क्या कहेंगी? रिजल्ट आने दीजिए, प्रदेश की जनता सही निर्णय लेगी। प्रदेश की जनता ने सही निर्णय लिया और सही निर्णय लेगी। वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जब प्रदेश में हमारी सरकार है तो ये स्थानीय स्तर पर हमारे विकास ना हो, क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि जीतेगा तो विकास की गंगा बहाई जाएगी और उनकी जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही एक बात और है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सबसे ज्यादा नजर आती है। ये आपके मन की गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी में ना कभी गुटबाजी रही और ना कभी रहेगी और ना आज है। एक चीज मंत्री जी, सबसे बड़ी बात हमने भी देखा है और जहां तक सवाल रहता है कि गुटबाजी कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई देने लगती है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कहीं नहीं है, लेकिन वो जब साफ तौर पर दिखाई दे देती है उसे कहते हैं झूठलाने। ये गुटबाजी आपके मन की गुटबाजी हो सकती है, वैसी कोई गुटबाजी नहीं है। यदि हमारे साथ में राज्य मंत्री जी, जिन्होंने हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव में लास्ट चरण है, क्या स्थिति रहती है और 1 तारीख को क्या स्थिति बनती है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर विजयी होती है।